हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं रेडियंट ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने पिछले सेशन में कराया था, नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट कराया था, जिसे बहुत सारे बच्चे पसंद भी किए थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस सेशन में भी हमने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है बच्चों? यूनिट डिजिट का मतलब है किसी भी संख्या का इकाई अंक, इकाई स्थान पे कौन सा अंक है उसको प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आपको देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे यूनिट डिजिट हमें निकालना है, अगर हम बोले कि 13 प्लस 24, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फाइंड यूनिट डिजिट। तो देखिए, यूनिट डिजिट अब हम 13 और 24 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 13 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। ठीक है, और 24 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो 4 और 3 को सम कर देंगे, यानी 4 3 7, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 7 आ गया। क्लियर है? इकाई अंक से क्या मतलब हुआ कि टोटल को जोड़ने पे, यानी टोटल को कभी जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा, भाग होगा, कुछ भी हो सकता है, पावर होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों को भी आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4 3 7 और 2 1 3, यानी 37 आएगा। तो फिर 37 को, जैसे यहाँ पे 37 आ गया, तो 37 का फिर इकाई अंक क्या होगा? फिर तो 7 ही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी बेसिस पे हम दूसरा क्वेश्चन देखिए करते हैं। जैसे हम करते हैं 528 प्लस 326, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब देखिए, 528 और 336 को जोड़ने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। और इसका क्या है? 6 है। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। ठीक है, तो 14 आंसर नहीं होगा हमारा। फिर 14 भी तो दो अंक में आ गया, लेकिन हमको मतलब है सिर्फ एक अंक से, यानी सिर्फ 4 से। तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आया? 4 आया। तो यहाँ पे 7 हो गया था आंसर, यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, जैसे हम करते हैं 326 माइनस 29, ठीक है, क्या होगा यूनिट डिजिट, है ना? तो देखिए, 26 में से 29 जाएगा नहीं, तो 126 में से 29 करेंगे। या फिर देखिए, उतना भी हमें नहीं करना है, ये 6 में से 9 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 16 में से तो 9 जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इससे कैरी लेगा, है ना, कैरी करेगा, तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा 7। बस यहीं पे हमारा आंसर हो गया 7, उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम करते हैं 16 गुना 18। ठीक है, तो 16 गुना 18 करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका 8, तो 8 6 48, तो 48 लिखने की जरूरत नहीं है, 48 का क्या लिखेंगे? 8। क्या लिखेंगे? 8। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, कुछ भी दिक्कत है बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर यहाँ पे परेशानी आ रही है समझने में। ठीक है, हम और उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे। और अगर पसंद आता है बच्चों तो जल्दी से थम्सअप लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए, ये गुना में है तो अब बेस समान है, तो पावर पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 2 का पावर 7। ठीक है, तो अब 2 का पावर 7 करेंगे, 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 कितना होता है? चलिए, 2 दुना 4, है ना, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128, 128, तो 128 का क्या लिखेंगे? 8। लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है बच्चों। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 2 का पावर क्या कर देंगे? 2 को 7 बार गुना कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 128। तो 128 का क्या लिखेंगे? 8। तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन एग्जाम में
इस तरह के क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा कि एग्जाम में किस तरह प्रश्न आते हैं और उसको कैसे आसानी से हम ट्रिक वाइज सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यूनिट डी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम एक से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? एक से। चलिए देखिए, पहले हम एक का देख लेते हैं, एक का, ठीक है। तो वन का देखने के लिए हमें, देखिए यहां पे कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। एक का पावर जैसे हम ले लेते हैं 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 121 का पावर 11, ठीक है। इसके बाद लेते हैं 131 का पावर 122, ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में क्या सिमिलर है? सिमिलर ये है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पे सबका एक है। अब ध्यान दे रहे हैं, यहां भी एक का पावर कुछ है, यहां भी देखिए 121 है, लेकिन यूनिट डिजिट हमें देखना है। तो 121 में एक है यूनिट डिजिट और उसका पावर 11 है, यहां पर 131 में यूनिट डिजिट पे क्या है? एक है और उसका पावर 122 है। तो आप एकदम ध्यान रखिए हमेशा के लिए एक नोट में, ठीक है। एक नोट में आप सबको पता होगा, ठीक है, कि एक का कितना भी पावर हो या घात हो, है ना, पावर या घात हो, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है बच्चों? हमेशा एक ही होता है। ये सबको पता भी है, क्लियर सी बात है। तो आप देखिए, एक का पावर 5 हो या 500 हो, इसका आंसर क्या होगा? एक। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एक होगा, ठीक है। इसका देखिए 121 तो है, ठीक है, यहां पे इसका देखिए 121 तो है, 121 का पावर कितना है? 11 है। तो ये दोनों से हमें कोई मतलब है क्या? ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 121 का पावर 11 का मतलब हम ये समझेंगे कि एक का पावर 11, इसको क्या समझेंगे कि एक का पावर 11 है। और किसी का भी पावर कितना भी हो, एक का पावर कितना भी हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक ही आएगा। तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया? एक आ गया। फिर देखिए यहां पे 131 का पावर 122, ठीक है। चलिए 131 का पावर है 122, क्लियर है। तो यहां पे देखिए 3 और 1 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो एक का पावर कितना हो गया? 122। हम बता चुके हैं एक का कितना भी पावर हो क्या होता है उसका रिजल्ट एक ही होता है। तो देखिए तीनों कंडीशन में क्या हो गया? एक ही आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले, यूनिट डिजिट निकालने से पहले, हमको इकाई अंक देखना होता है कि इकाई अंक कौन सा अंक है। अगर एक है तो उसका कोई भी पावर हो हमें क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा, ठीक है। ये तो एक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं दो वाले में, दो का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, या फिर दो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक की तरह और भी कोई ऐसा अंक है कि जिसका पावर करने के बाद, पावर करने पे सेम अंक प्राप्त हो। तो देखिए उस तरह को अंक को पहले करते हैं। जैसे दो का कितना भी पावर करेंगे, दो का पावर एक करेंगे तो दो आएगा, दो का पावर दो करेंगे 4 आएगा, यानी कि हर बार अलग अलग आ रहा है। तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखिए 5 का पावर करते हैं, कितना का? 5 का। चलिए पहले हम 5 कर लेते हैं, उसके बाद 2, 3, 4 ये सब बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, 5 के पावर 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 के पावर 114, ठीक है। दो एग्जांपल हुआ, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 525 के पावर 1002,
ठीक है, क्लियर। तीन एग्जांपल ले लिए हम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसा कि हम एक वाले में बताए हैं कि एक का कितना ही पावर करेंगे एक ही आएगा, उसी तरह पांच का भी कितना ही पावर कीजिएगा क्या आएगा, पांच ही आएगा। अब देखिए पांच का पावर हम तीन करते हैं तो पांच गुने पांच पच्चीस, देखिए पांच का पावर इससे हम क्लियर करा देते हैं, पांच का पावर तीन तो ये दोनों गुना करेंगे क्या आया पच्चीस, तो फिर पच्चीस गुने पांच हम नहीं करेंगे, पच्चीस का यूनिट क्या है पांच, तो पांच गुने पांच करेंगे फिर क्या आया पच्चीस, तो पच्चीस तो आंसर होगा नहीं हमारा, फिर यूनिट क्या है पांच, तो ये आंसर क्या हो गया पांच, क्लियर है, यानी इसका क्या हो गया आंसर पांच। अब देखिए यहां पे तो इससे हमें क्या पता चला कि पांच का कितना ही पावर आएगा क्या रिजल्ट आएगा पांच आएगा, जैसे इसमें फिर हमें पांच से गुणा करना पड़ता, फिर पांच पच्चीस क्या लेते फिर पांच लेते यूनिट, है ना, चार भी पावर रहता पांच भी रहता। अब देखिए यहां पे पच्चीस का पावर एक सौ चौदह है, यानी हम क्या कह सकते हैं हमें तो यूनिट डीएट मतलब इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब हम पांच का पावर एक सौ चौदह करना है, ठीक है। अब पांच का कितना ही पावर करते तो क्या रिजल्ट देता है पांच ही देता है, क्लियर है। चलिए पांच सौ पच्चीस का पावर एक हजार दो है, यानी कि हमें पांच से मतलब है, ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पांच का पावर क्या है एक हजार दो है। और हम बता चुके हैं जिस तरह से एक का पावर कितना भी करें तो इकाई अंक एक होता है, तो उसी तरह से पांच का कितना भी पावर करें तो इकाई अंक क्या होगा पांच होगा। देखिए हाँ अगर इकाई अंक का बात नहीं करें तो एक का कितना ही पावर करेंगे रिजल्ट एक आएगा, लेकिन पांच का कितना ही पावर करें तो हर बार रिजल्ट अलग अलग आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट सेम आएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए एक का कितना भी पावर कर दें एक हजार पांच कर दें रिजल्ट क्या आएगा एक आएगा, लेकिन पांच का अगर पावर दो करेंगे तो पच्चीस आएगा, ठीक है, पांच का पावर तीन करेंगे तो क्या आएगा एक सौ पच्चीस आएगा, तो रिजल्ट हमेशा अलग अलग आएगा लेकिन यूनिट डिजिट सेम आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन एक वाले में यूनिट डिजिट भी एक आएगा और रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा एक ही आएगा, ये इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यूनिट डिजिट का है या जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम पांच वाला हो गया क्लियर। अब देखिए इसी तरह का एक छः वाला भी है, ठीक है, तो पहले हम सेम टाइप का जो है उसको पहले कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पीटी से लेकर मेंस तक में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लॉजिक होता है, कहाँ पे क्वेश्चन विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए छः वाला कर लेते हैं जल्दी से, छः वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो सेम जैसे एक वाला किए हैं पाँच वाला किए हैं छः वाला भी उसी तरह का है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे छः का पावर हम करते हैं छः का पावर छः, ठीक है, एक सौ सोलह का पावर एक सौ पच्चीस, ठीक है, एक हजार छः का पावर ग्यारह, ठीक है। देखिए छः का पावर छः, अब ध्यान दीजिए छः का पावर अगर हम दो करें कितना आएगा छः गुना छः छत्तीस आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आया छः आया। छः का पावर तीन करेंगे, ठीक है, छः का पावर एक भी होगा तो छः ही आएगा, तो छः गुना छः यानी छत्तीस गुना छः तो कितना आएगा दो सौ सोलह आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आया छः ही आया। तो इसे हम कह सकते हैं कि छः का कितना भी पावर करेंगे एक और कर लीजिए, फिर इसमें और छः से अगर हम गुना करें तो छः छक सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, दो एक से मतलब नहीं है, तो छः छक छत्तीस फिर छः आया, फिर छः से गुना करेंगे छः छक छत्तीस, यानी हम कह सकते हैं कि कभी भी चेंज नहीं होता है, ज़्यादा हमें नहीं करना, पाँच छः बार आप गुना करके देख लीजिए, अगर सेम आता है तो सेम ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए यानी इसका क्या आया छः, क्लियर है। इसमें भी क्या करना है यूनिट डिजिट से मतलब है, एक छः से मतलब है नहीं, यानी हम कह सकते हैं छः का पावर कितना एक सौ पच्चीस, जैसा कि हम बताएं कि छः का कितना ही पावर करेंगे क्या आएगा छः आएगा, एक हज़ार छः में भी क्या होगा लास्ट अंक छः, ये तीनों से मतलब नहीं है, छः का पावर ग्यारह तो कितना भी पावर करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट छः आएगा, तो क्लियर हो गया। अब एक और देखते हैं जल्दी से, सेम टाइप का है, तो कौन कौन सा हम देखें, एक देखें पांच देखें छः देखें, है ना। अब एक देखेंगे जीरो, जिसके अंत में जीरो होगा, ठीक है, जैसे हम दस का पावर करेंगे पांच, हम एक हजार का पावर करेंगे ग्यारह, हम 110 का पावर करेंगे 15, क्लियर है। तो यूनिट डिजिट क्या है जीरो, तो जीरो का कोई भी पावर होगा तो क्या देगा जीरो, सबको पता है।
यहाँ भी यूनिट क्या है, जीरो, तो जीरो का पावर करेंगे 11 तो क्या देगा, जीरो। यहाँ भी देखिए क्या है, जीरो लास्ट में, ठीक है, तो जीरो का पावर करेंगे 15 तो क्या देगा, जीरो। तो आप समझ गए, चार अंक जिसका कितना ही पावर हो तो क्या देगा वो हम रिजल्ट, जीरो देगा, सॉरी सेम अंक देगा, ठीक है। चलिए तो इस चारों अंक को आप ध्यान रखिएगा, एक हम नोट लिखा देते हैं। आप कोशिश कीजिए बच्चों कि जो भी हम बोर्ड पे करा रहे हैं आप एक नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और नोट्स को बनाया कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप आज देखिएगा फिर कल भूल जाइएगा, ठीक है, फिर दोबारा देखना पड़ेगा आपको, फिर वीडियो जब ज़्यादा हो जाएगा हमारे चैनल पे तो आपको वीडियो खोजना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए, और जो तेज विद्यार्थी है वो वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, ठीक है, वैसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम एक नोट में क्या लिखेंगे, कौन कौन सा अंक देखें, 1, 5, 6 तथा 0 का कितना भी पावर करें, यूनिट डिजिट हमेशा वही अंक प्राप्त होगा, वही अंक प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि एक का कितना भी पावर करेंगे तो एक होगा, पांच का कितना भी पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 का कितना भी पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा, और 0 का भी कितना ही पावर करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो अंक बचे हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7, 8, 9 हो गया, उसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का, ठीक है, 2 का ध्यान से समझिएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो कभी जोड़ वाला घटाओ वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, जब भी आएगा पावर बेस्ड आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2 का देख लेते हैं, एक टेबल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। 2 का पावर 1 कितना होगा, 2, 2 का पावर 2 कितना होगा, 4, 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 4 16 होगा, लेकिन 16 दो डिजिट में है तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो क्या होगा लास्ट का, 6 होगा, चलिए 6 होगा, यानी होना है 16, इसको होना है 16, है ना, लेकिन हम 1 को नहीं लिखेंगे, एक ही अंक में हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए 2 का पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, 16 दूना 32, तो 32 का क्या होगा, 2 होगा, 3 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें भी 1 हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 2 का पावर 6 कितना होगा, 32 दूना 64, तो 4 लिखेंगे। 2 का पावर 7 क्या हो जाएगा, 64 दूना 128, तो 8 लिखेंगे। 2 का पावर 8 क्या होगा, 128 दूना 2 256, तो 6 लिखेंगे। 2 का पावर 9 क्या होगा, 256 गुना 2, तो 512, यानी फिर 2, 2 का पावर 10 क्या होगा, 512 गुने 2 1024, ठीक है, तो 24 का 4, क्लियर है। चलिए हम 10 तक निकाल लिए। अब देखिए, अगर पावर 1 था तो आया 2, पावर 2 है तो 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2। अब देखिए ये 4 के बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखिए ये 4 के बाद 2, 4, 8, 6 फिर रिपीट हो गया। अब देखिए फिर पहला आ गया 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, यानी फिर रिपीट हो रहा है। अब फिर देखिए आ गया 2, फिर 4, फिर 2 का पावर 11 कीजिएगा फिर आपको क्या मिलेगा, 8, 2 का पावर 12 कीजिएगा फिर क्या मिलेगा, 6, यानी हम कह सकते हैं कि ये 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, मतलब 2 का पावर 4 करें, 2 का पावर 8 करें या 2 का पावर 12 करें, सेम यूनिट डिजिट आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। 2 का पावर 4, 2 का पावर 8, 2 का पावर 12, 2 का पावर 16 क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 8, 2 का पावर 12, 2 का पावर 16, ये सब का यूनिट डिजिट जो आएगा क्या आएगा, 6 आएगा। हम कह सकते हैं जो संख्या 4 से कट रहा है, देखिए 4 एक 4, 4 दो 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, मतलब जिसका पावर 4 से कट रहा है उस सब का क्या आएगा, सेम आएगा 6,
ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जिसका पावर चार से नहीं कटे पूरा पूरा उसका हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं दो का पावर पांच, ठीक है, चार से नहीं कटेगा पांच। अब ले लेते हैं दो का पावर ग्यारह, छोड़ देते हैं तेरह ले लेते हैं, ठीक है, तेरह, एक मिनट, चलिए ग्यारह ही लेते हैं, ठीक है। दो का पावर सत्ताईस, ठीक है, तीन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेंगे हम। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये सब चार से नहीं कट रहा है सबका पावर, ठीक है, तो चार रिमाइंडर देखें कितना आता है, क्या देखेंगे, रिमाइंडर। जैसे चार से पांच में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा, तो इसको हम कर देंगे दो का पावर एक, ठीक है। यहां पे चार से भाग लगाएंगे ग्यारह में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तीन आएगा, चार दुना आठ, तीन रिमाइंडर, तो दो का पावर तीन लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सत्ताईस में चार से भाग लगाएंगे तो चार छक चौबीस, तो तीन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, तो तीन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी हम लिख देंगे दो का पावर तीन। क्यों चार से भाग लगा रहे हैं, क्योंकि चार पे ही रिपीटिशन हो रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं इसको कि चले पावर वाला कोई भी क्वेश्चन है हम चार से भाग लगा देंगे, ठीक है, रटना नहीं है बच्चों, ठीक है। जब आप रट के काम कीजिएगा तो आप मेंस के पेपर में आपको जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है, क्यों हम चार से भाग लगाते हैं। अपने टीचर से आप पूछा कीजिए कि ठीक है सर चार से भाग लगाते हैं, क्यों चार से भाग लगाते हैं, तो आपको आंसर यहां से मिल रहा है, क्यों चार से भाग लगाते हैं, क्योंकि चार पे रिपीटेशन हो रहा है। कभी कभी हम दो से भी भाग लगाएंगे, वो आगे देखें कौन सा नंबर में हम दो से भाग लगाएंगे, ठीक है, लेकिन चार से भी आप उसमें भाग लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन जब दो से भाग लगाना आसान है तो हम चार से क्यों लगाएं, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर फर्क आप खुद महसूस करेंगे कि इस चैनल पे आपने क्या नया सीखा। इसलिए हम हर वीडियो में कहते हैं स्टार्टिंग में, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, तो जरूर आप कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्ट कर चुके हैं हम, तो अब दो का पावर एक क्या होता है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, दो होता है तो इसका यूनिट डेट क्या आएगा, दो आएगा। इसका दो का पावर तीन क्या होता है, आठ होता है, तो इसका यूनिट डेट क्या आएगा, आठ आएगा। और इसका क्या आएगा, दो का पावर तीन, अच्छा इसमें भी तीन आ गया, इसमें भी तीन आ गया, चलिए कोई बात नहीं है, इसका भी आठ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए। अब आपके पास जैसे क्वेश्चन आ गया 512 का पावर 212, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए 25 32 के पावर 25 32, क्लियर है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट इससे मतलब है, ये दोनों से मतलब नहीं है। कभी भी कितना भी लंबा नंबर आ जाए आपको किससे मतलब है, यूनिट डिजिट जब निकालना है तो किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी दो से मतलब है, ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं दो का पावर 212, क्लियर। अब जब पावर चार का मल्टीपल है कि नहीं उसको हम चेक कर लेते हैं, चलिए चार से भागा, चार पचे बीस, चार तीय बारह, पूरा कट जाएगा, यानी हम आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, दो का पावर चार लिख सकते हैं, क्योंकि चार का जो भी मल्टीपल आता है क्या देता है, दो का पावर चार देता है, यानी क्या देता है, छह देता है, ठीक है, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, छह। कब, जब पूरा कटेगा तब चार से, पूरा नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो दो को लेंगे, तीन पांच दो को नहीं लेंगे, ठीक है, तो दो का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे, 25 32 25 32, क्लियर है। तब पावर में क्या करेंगे, चार से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 25 में चार से 24, एक बचेगा, तीन बचे, चार तीन बारह, एक दो चार तीन बारह, फिर पूरा कट गया, ठीक है, तो पूरा कट गया, तो क्या करेंगे, दो का पावर चार लिखेंगे, है ना, तो क्या आएगा आंसर, फिर से सेम आ गया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सी नंबर ले लेते हैं, 32 का पावर 595, ठीक है, निकालते हैं इसका। देखिए तो 32 में दो को लेंगे, तीन को नहीं लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं दो का पावर क्या, 595, ठीक है, देखिए क्या होगा, 595 चार से भाग लगाएंगे तो चार एकाई चार, एक नौ, फिर चार चौक 16, तीन पांच, चलिए ठीक 32,
तो बच जाएगा 3, यानी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो क्या आएगा 8 आएगा आंसर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब भी लास्ट में 2 होगा तो उसका हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब है नेक्स्ट अंक, है ना, 2 हो गया, अब 3 का देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, 3 का हम करते हैं, 3 वाले में क्या होता है, जब इकाई अंक 3 हो तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखिए तो 3 का पावर 1 कितना होता है 3, 3 का पावर 2 कितना होता है 9, 3 का पावर 3 कितना होता है तो 9 * 3 = 27, तो 27 दो अंक में आ गया, तो क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। 3 का पावर 4 तो 7 * 21, अब देखिए 27 को 3 से नहीं गुना करेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है 7 है, तो 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 * 3 = क्या होगा 21, तो 21 का 1, ठीक है। फिर 3 का पावर 5 करेंगे तो फिर 3 इकाई 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर 6 करेंगे तो 3 * 3 = 9 हो जाएगा, 3 का पावर 7 करेंगे तो 9 * 3 = 27 होगा, 3 का पावर 8 करेंगे, है ना, तो 7 * 21 = 1 होगा, 3 का पावर 9 करेंगे तो 3 इकाई फिर 3, और 3 का पावर 10 करेंगे तो फिर 3 * 3 = 9। देखिए कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 3 * 9 = 7 * 1 = 3, है ना, यानी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए 4 के बाद फिर रिपीट हो रहा है, फिर 3 आ गया, तो यानी कहने का मतलब जैसा 2 का कॉन्सेप्ट था वैसा ही 3 का कॉन्सेप्ट है कि हर 4 के बाद क्या आएगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, 3 का पावर ले लेते हैं हम 3, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 343 * 102, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 313 * 15, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 का पावर 3, 3 * 3 = 9 * 27, है ना, तो इसका तो आ गया 7, क्लियर है, 3 का पावर 3 = 7 देगा। अब देखिए यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं, 3 को लेंगे 4, 3 को नहीं लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर कितना 102, ठीक है, और 3 का पावर 102 तो कितना पे रिपीटेशन हो रहा है 4 पे हो रहा है, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो 4 * 2 = 8, 2 और 2 = 4 * 5 = 20, यानी 2 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, तो इसमें 3 को लेंगे, 1 और 3 को नहीं लेंगे, तो देखिए 3 का पावर कितना हो गया 15, तो 15 को कितना से भाग लगाना है, तो रिपीटेशन कितने बार में 4 बार में, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 * 3 = 12 बचेगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 क्या होता है 3 * 3 = 9 * 3 = 27, तो 27 * 7, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, फिर मिला जुला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो भी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं 3 के बाद 4, चलिए चार अंक का देखते हैं, ठीक है, कि जिसके इकाई अंक में 4 होगा उसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 4 * 1 क्या देगा 4, 4 * 2 क्या देगा 4 * 4 = 16, तो 16 का क्या लिखेंगे 6, ठीक है, कभी भी 2 अंक में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट का, 6, ठीक है। 4 * 3 तो 6 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 6 * 6 = 24, तो 24 का फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 24 नहीं लिखेंगे 2 अंक में। फिर 4 * 4 फिर 4 में फिर 4 से गुना करें 4 * 4 = 16, तो 16 का क्या लिखेंगे 6, ठीक है। 4 * 5 अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, तो हम और उसका डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। 4 * 5 तो 6 को फिर 4 से गुना करें 6 * 6 = 24, 4। अब इसका ज़्यादा लिख करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं 4 * 6 = 4 * 6 = 4 इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। चलिए एक और देख लेते हैं 4 * 6 तो फिर 4 में फिर 4 से गुना होगा 4 * 6 = 16, तो 16 का फिर 6, तो आप देख रहे हैं रिपीटेशन कहाँ पे हो रहा है 2 बार में हो रहा है, देखिए 2 बार में ही रिपीटेशन हो रहा है, क्लियर है, ये कुछ अलग आ गया। देखिए
जिसके यूनिट डिजिट पे एक हो, पाँच हो, छः हो, जीरो हो, तो उसका कितना भी पावर करें तो क्या मिलता है, वही अंक मिलता है। ठीक है, फिर हम दो देखें, तीन देखें, इसमें क्या होता है, चार चार के बाद रिपीटेशन, मतलब उसके पावर को हम चार से भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाए तो पावर चार करके जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वही आंसर होगा, अगर नहीं कटता है पूरा पूरा तो उसका जो रिमाइंडर आता है उसका पावर करते हैं और जो संख्या आता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीटेशन दो ही बार में हो रहा है तो हम चार से क्यों भाग लगाएं, आप खुद बताइए कि दो से भाग देना आसान है कि चार से भाग देना आसान है, रिमाइंडर किस में बताना आसान है, दो वाले में, अगर पूरा पूरा कट जाता है, अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर विषम संख्या तो एक, तो बिना भाग लगाए हम दो से निकाल सकते हैं, तो हम चार से क्यों भाग लगाएं। लेकिन बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि आप सब में चार से भाग लगा दीजिए, तो टफ हो गया, जहां आसान होने वाला वहां भी टफ हो गया। ठीक है, इसलिए आप लॉजिक को समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए कि चार से क्यों लगाते हैं, क्या हम किसी और संख्या से क्यों नहीं लगा सकते, एकदम लगा सकते हैं चार वाले केस में, अब किससे लगा सकते हैं, दो से लगा सकते हैं, हाँ चार से भी लगाइएगा तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल है हमारा, जैसे चार का पावर हम कर लेते हैं 25, ठीक है, 64 के पावर हम कर लेते हैं 112, ठीक है, और 1144 के पावर हम कर लेते हैं 15, ठीक है, चलिए देखते हैं तीनों को सॉल्व करके। चलिए 4 के पावर 25, तो 4 के पावर 25 का मतलब 25 पावर तो निकालना बहुत मुश्किल है, 4 गुने 4 गुने 25 बार करना बहुत मुश्किल है, तो 25 को पावर को हम कितने से भाग लगाएंगे, तो 4 से नहीं लगाना है इस बार, कितने से लगाना है, दो बार में रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 2 से लगाना है, तो 2 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर 2 लेंगे, नहीं कटेगा तो देखिए 2 से कभी भी लगाएं तो शेष क्या देगा, 1 देगा, देखिए बिना भाग लगाए हम पता कर सकते हैं, अगर सम संख्या तो कट जाएगा, विषम संख्या तो 1 देगा, इसके अलावा 2 से लगाने पर कुछ भी नहीं देगा, तो यानी हम कह सकते हैं 4 के पावर 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4, क्लियर, आसान है। चलिए इसमें देखते हैं, 4 को लेंगे 6 को नहीं लेंगे, कितना ही बड़ा संख्या हो, क्लियर है, चलिए 4 का पावर कितना करना है, 112, तो कितना से भाग लगाना है, 2 से, तो देखिए सम संख्या है ना 2, लास्ट में पूरा पूरा लग जाएगा, आंख बंद करके 2 का पावर 2 देना है, पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है भाग देने का, ठीक है, यही तो आसान है 4 और 2 में, 2 में क्या करना है, देख लेना है, सम संख्या पावर 2 कर देना है, विषम संख्या पावर 1 कर देना है, कहानी खत्म, क्योंकि 1 2 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है, तो पावर 2, तो पावर 2 में क्या आएगा, 4 चौक 16, यानी 6, 4 और 6, 4 वाले केस में क्या आता है, 4 और 6 4 6, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, इकाई अंक 4 है तो इसको भी तीनों को नहीं लेंगे, यानी 4 के पावर कितना हो गया, 15 हो गया, 15 में भाग लगाए, विषम संख्या भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि 2 से भाग लगाना है। चलिए 4 के पावर 1, यानी ये क्या दिया, 4 दिया आंसर, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, 4 तक हो चुका है, 5 भी हो करवा चुके हैं, 6 भी करवा चुके हैं, नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे 7 8 9 के बारे में, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल देखेंगे, इसलिए उस सेशन को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उस सेशन में हम सिर्फ 6 तक जो करवा चुके हैं उसके बाद 7 8 9 का तो देखेंगे ही कि उसमें क्या रिपीटेशन होता है, कितने बार में होता है, उसका कैसे पावर होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इकाई अंक, और इससे रिलेटेड हम और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मॉडुलस के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल के फॉर्म में पूछे जाते हैं, पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, वो सब पूछे जाएंगे, इसलिए आप नेक्स्ट सेशन देखना जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, ठीक है, और आज का सेशन भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच में, और जो बच्चे अभी तक नए हैं या पुराने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद।